हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास सेवन्थ सिविक्स की बुक का चैप्टर 7 मार्केट अराउंड अस का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं। एक तो होते हैं वीकली मार्केट्स जो कि हफ्ते में एक बार लगते हैं, एक होते हैं नेबरहुड वाले मार्केट जो कि आपके घर के पास होते हैं। तीसरे टाइप ऑफ मार्केट हमने देखा था मॉल्स होते हैं जहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेज और मॉल्स के बारे में। अब हम लोग देखते हैं चेन्स ऑफ मार्केट। तो भाई सामान जो हमारे पास आता है किस तरीके से, किस प्रोसेस के थ्रू हमारे पास पहुंचता है। इससे पहले के सेक्शन में हम लोगों ने अलग अलग मार्केट्स के बारे में देखा। तो भाई जो शॉप ओनर्स प्रोक्योर करते हैं, प्रोक्योर करने का मतलब है जो शॉप ओनर्स मतलब दुकानदारों के पास जो सामान आता है वो कहाँ से आता है। तो सामान जो है ना गुड्स, वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होता है या फिर फार्म्स में खेतों में प्रोड्यूस होता है ना, वो हम तक कैसे पहुंचता है। हाउएवर हम लोग डायरेक्टली फैक्ट्री से या फिर फार्म से तो ख़रीदते नहीं हैं, ना ही जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो सामान बना रहे होते हैं जिनके खेत होते हैं या फिर जो फैक्ट्रीज होती है वो हमें डायरेक्ट बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, मतलब एक अगर कैडबरी की फैक्ट्री है तो आप एक चॉकलेट खरीदने जाएंगे तो वो तो आपको नहीं देंगे। तो भाई किस तरीके से ये सामान बेचा जाता है और कैसे कहाँ से प्रोसेस चलता है। तो जो लोग होते हैं ना, वो प्रोड्यूसर जो सामान बना रहा है और जो फाइनल कंज्यूमर यानी कि जैसे हम जो सामान खरीद रहे हैं, तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, ये हो गया प्रोड्यूसर जो सामान बना रहा है और कंज्यूमर जो उसको यूज़ कर रहा है, इन दोनों के बीच में होता है ट्रेडर जो कि हम लोगों को सामान बेच रहा होता है। तो प्रोड्यूसर जो है वो ट्रेडर को सामान बेचता है और ट्रेडर हमें सामान बेचते हैं, हम कंज्यूमर हैं। तो प्रोड्यूसर से जाता है ट्रेडर के पास और ट्रेडर से जाता है कंज्यूमर के पास। तो होल सेल ट्रेडर, होल सेल मतलब जो बिल्कुल काफ़ी इकट्ठा माल लेता है, होल सेल ट्रेडर जो है वो इकट्ठा माल बहुत ज़्यादा लार्ज क्वान्टिटी में खरीद लेता है फैक्ट्रीज से। एग्जाम्पल के लिए एक वेजिटेबल होलसेल ट्रेडर जो है वो सिर्फ किलो में वेजिटेबल नहीं करता है, वो तो कई क्विंटल्स में वेजिटेबल्स को खरीदता है, जैसे कि 25 से 100 किलो क्विंटल्स में वो वेजिटेबल्स को खरीदता है, फिर उसको वो बाकी सारे व्यापारियों को बेच देता है। तो फैक्ट्री से होलसेल ट्रेडर खरीदता है, होलसेल से जो नॉर्मल ट्रेडर्स होते हैं व्यापारी वो खरीदते हैं। ये मार्केट में बाइंग और सेलिंग जो है वो ट्रेडर्स के बीच में होती है, व्यापारियों के बीच में ही वो सामान खरीदते हैं और कोई खरीद के दोबारा से बेचता है। ये लिंक्स होता है ट्रेडर्स का जो एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचाते हैं। ट्रेडर्स जो है वो खुद फाइनली कंज्यूमर को बेच देता है। तो यहाँ पर होलसेल ट्रेडर से नॉर्मल ट्रेडर्स खरीदते हैं और ट्रेडर से कंज्यूमर जाकर के ख़रीद लेता है, और होलसेल ट्रेडर जो है वो फैक्ट्री वालों से खरीदते हैं। आ रहा है ना समझ, फैक्ट्री में सामान बना, फैक्ट्री से सामान खरीदते हैं होलसेल ट्रेडर्स जो इकट्ठा सामान खरीदते हैं, फिर होलसेल ट्रेडर जो होते हैं इनसे बहुत सारे छोटे छोटे ट्रेडर्स सामान खरीदते हैं, और इन छोटे ट्रेडर्स से हम लोग कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर का मतलब होता है जो सामान को खरीदता है, कंज्यूम करता है, यूज़ करता है, फिर हम लोग कंज्यूमर इस सामान को खरीद लेते हैं। तो पूरा का पूरा लिंक बनता है। तो चाहे वो ट्रेडर वीकली मार्केट का हो, चाहे वो हॉकर जो कि सामान रेडी पर बेच रहा है हमारी पड़ोस की शॉप का हो, या फिर कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का हो, ये सारा का सारा होलसेल ट्रेडर से ही सामान आता है। तो एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, कोई भी शहर होता है उसका एक होलसेल का मार्केट होता है, वहाँ पर सामान जो है सबसे पहले पहुँचता है फैक्ट्री से, आप कह सकते हैं। रोड साइड हॉकर्स जो हैं जिनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो जैसे कि प्लास्टिक का सामान हो गया या फिर जो भी है, वो सब लोग होलसेल ट्रेडर से ही खरीदते हैं, और जो है फिर एक से बिगर होल्स, एक बहुत बड़ा होलसेल ट्रेडर होगा, फिर उससे एक छोटा होलसेल ट्रेडर होगा, फिर उससे छोटा होगा, और फिर बाकी सारे ट्रेडर्स होंगे। तो बहुत ही एक ट्रेडर होगा जिसका खूब बड़ा गोदाम होगा, फिर एक ट्रेडर होगा उस बड़े गोदाम से ला करके अपने एरिया में। देखिए इस तरीके से चलता है, यहाँ पर अच्छे से समझिए। एक शहर है, सपोज़ करिए ए नाम का कोई भी शहर है, बहुत बड़ा शहर है, इतना बड़ा शहर है तो मतलब कई किलोमीटर्स में वो शहर बसा हुआ है। अब एक एरिया होगा जहाँ पर बहुत सारा मतलब होलसेल ट्रेडर सामान फैक्ट्री से ला रहा होगा। अब ये होलसेल ट्रेडर बहुत बड़ा है, यहाँ से छोटे छोटे होलसेल ट्रेडर्स अपना सामान मतलब इससे लेकर के जा रहे होंगे, और इन होलसेल ट्रेडर से जो छोटी दुकान वाले हैं वो सामान लेकर के जा रहे होंगे, फिर छोटी दुकान वालों से फिर हम लोग कंज्यूमर सामान लेकर के जाते हैं। तो चेन काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। तो सिटी में जो होलसेल ट्रेडर होते हैं वो कई सारी क्वांटिटी का सामान, लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक आइटम फ्रॉम द फैक्ट्री एंड स्टोर देम इन द गोडाउन, फिर अपने गोडाउन में जाकर के स्टोर कर देते हैं और गोडाउन से फिर आगे सामान वो सप्लाई करते हैं। तो चेन ऑफ मार्केट जो है वो सेटअप हो जाती है। हम लोगों को मे भी पता ना हो कि हम लोग कहाँ से सामान जो हम खरीद रहे हैं वो आ रहा हो। आफ्ताब एक होलसेल
सेलर है सिटी का। तो आफ्ताब एक होलसेल ट्रेडर है, वो बल्क में, मतलब बल्क का मतलब होता है इकट्ठे में सामान खरीद लेता है। उसका बिजनेस 2 बजे सुबह सुबह, मतलब रात के 2 बजे कहिए कि शुरू हो जाता है, जब सब्जियां बाज़ार में पहुंचती हैं। तो ये टाइम होता है जब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बजिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा वो मतलब चहल पहल होती है, ट्रक्स आ रहे होते हैं, ट्रॉलीज आ रही होती हैं, फिर ऑक्शन, ऑक्शन का मतलब है बोली लगनी शुरू हो जाती है कि कितने में चीज़ बिकेगी। आफ्ताब जो है ऑक्शन में देखता है और फिर सामान खरीदता है, बेचता है। फिर आज टुडे फॉर एग्जांपल उसने 5 क्विंटल जो है गोभी खरीदी, 10 क्विंटल प्याज खरीदी। उसकी शॉप है मार्केट में जहाँ पे वो वेजिटेबल्स वगैरह स्टोर करता है जो वो ख़रीदता है, और जो उसने ख़रीदा है फिर बाकी सारे जो हॉकर्स होते हैं रेडी वाले और बाकी शॉपकीपर्स उससे जा कर के सुबह 6 बजे उस आफ्ताब से ख़रीद लेते हैं। आफ्ताब ने क्या किया, मंडी से जा कर के ख़रीदा बहुत सारा, बहुत सारा, बहुत बड़े अमाउंट में, फिर अपने गोडाउन में जा कर के स्टोर किया, फिर बाकी सारे जो शॉपकीपर्स हैं वो आफ्ताब से ख़रीद लेते हैं और शॉपकीपर से हम लोग ख़रीद लेते हैं। अब आता है मार्केट्स एवरीवेयर, क्योंकि बाज़ार तो हर जगह है। आप लोगों ने अलग अलग मार्केट्स के बारे में देखा जहाँ पर सामान खरीदा जाता है, बेचा जाता है। सारे के सारे मार्केट जो हैं वो एक स्पेसिफिक लोकेलिटी में होते हैं और पर्टिकुलर टाइम पे ही मतलब काम करते हैं, रात रात में जैसे नहीं चलते हैं। हाउएवर ये ज़रूरी नहीं है कि दैट वन हैज़ टू गो टू मार्केट टू परचेज गुड्स, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते, आप लोग ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, अलग अलग वेबसाइट से सामान मंगाते हैं, तो आप लोगों को मार्केट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो यही इसमें बताया गया है, ज़रूरी नहीं है कि आप सामान खरीदने के लिए मार्केट जाएं। आप लोग बहुत सारी चीज़ जो है फ़ोन पर भी ऑर्डर कर सकते हैं और इंटरनेट पर भी ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर सीधा पहुँच जाता है। जैसे कि जो क्लिनिक्स होते हैं, नर्सिंग होम होते हैं, आप लोगों ने वहाँ पर नोटिस किया होगा कि कुछ सेल्स पर्सन वहाँ पर होते हैं डॉक्टर्स को दवाइयाँ बेचने के लिए। तो ये सेलिंग ऑफ गुड्स मतलब सामान बेच रहे होते हैं, ये बाइंग खरीदना बेचना जो है अलग अलग वेज में होता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और बाज़ार में सिर्फ दुकानों पर ही खरीदना बेचना चल रहा हो। आप लोग इंटरनेट से ऑनलाइन सामान मंगा सकते हैं या फिर गोडाउन से आकर के सेल्स पर्सन होते हैं वो डायरेक्ट जैसे डॉक्टर्स को अपनी दवाइयाँ बेच रहे होते हैं। मार्केट्स में हम लोगों ने देखा कि द मार्केट्स दैट वी लुक एट अबव आर द वंस वी रिकोगनाइज ईजली। जो मार्केट्स हम लोगों ने अभी इसके पहले देखे जैसे मॉल्स या फिर मंडी वगैरह, हम इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे मार्केट्स ऐसे भी होते हैं जो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि हमें पता नहीं होता ये मार्केट्स हैं। ऐसा इसलिए होता है, दिस इज़ बिकॉज काफ़ी सारे गुड्स जो हैं वो बॉट एंड सोल्ड होते हैं, खरीदे बेचे जाते हैं, दैट वी डोंट यूज़ डायरेक्टली। हम लोग डायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते बट फिर भी वो खरीदी बेची जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए एक फार्मर जो है वो फर्टिलाइज़र को, फर्टिलाइज़र उर्वरक जो है उसकी फसल अच्छी हो इसलिए फार्मर उसे खरीदता है, वो खरीदता है उसको स्पेशल शॉप से जो कि सिटी में होती हैं, और इन टर्न गेट देम फ्रॉम फैक्ट्री। तो फैक्ट्री से उन शॉप्स में फर्टिलाइज़र आते हैं और फर्टिलाइज़र को उन शॉप से फार्मर खरीद लेता है। अब फार्मर फर्टिलाइज़र खरीदता है, हमें तो ज़रूरत नहीं होती है और हम तो उसकी जो वो फसल उगाता है फार्मर उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही एक कार की फैक्ट्री में फैक्ट्री का वाला एक इंजन, गियर, पेट्रोल का टैंक, एक्सल व्हील ये सब खरीदता है, काफ़ी सारी है ना, फ्रॉम वेरियस अदर फैक्ट्री। तो एक कार बनाने के लिए अलग अलग टायर, गियर वगैरह वो अलग अलग फैक्ट्रियों से खरीदते हैं, बट हम लोग ये सब चीज़ें नहीं खरीदते हैं, हम लोग तो फाइनल प्रोडक्ट एक कार खरीदते हैं। द स्टोरी इज सिमिलर फॉर काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, जैसे कि काफ़ी सारी और भी चीज़ें होती हैं जो हम उसके पार्ट्स में ही खरीदते हैं, हम लोग उसको एज अ होल खरीदते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग ने कार देखा, हम उसका इंजन या फिर उसके टायर अलग अलग नहीं खरीदते, हम पूरा मिला के खरीदते हैं, बट वो जो कार की कंपनी होती है उसने तो और कहीं से खरीदा होता है ना। अब मार्केट एंड इक्वालिटी, तो मार्केट और समानता, तो इसमें क्या है, इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि अलग अलग शॉप ओनर्स होते हैं जो कि वीकली मार्केट के होते हैं या फिर जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में होते हैं, ये लोग आपस में एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। जो मंडी में दुकानदार है वो एक स्मॉल ट्रेडर है, वो एक छोटा व्यापारी है, उसके पास काफ़ी कम पैसे हैं अपनी दुकान को चलाने के लिए और काफ़ी कम पैसे होते हैं उसके पास खर्च करने के लिए, और बाकी जो शॉप्स मॉल्स वगैरह में होती है वो तो काफ़ी ज़्यादा कमाते हैं, है ना। तो और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अनईक्वल अर्निंग होती है, जो छोटी शॉप होती है उसके पास कम, उसकी कमाई कम होती है, जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वहाँ पे दुकानदारों की कमाई काफ़ी ज़्यादा होती है। वीकली जो मार्केट होता है उसमें बहुत ही कमाता है एक पर्सन एज़ कम्पेयर टू जो कि रेगुलर जो हमेशा रोज़ शॉप लगती है उसके जो, या फिर जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं बड़े बड़े, उनसे एक रेडी वाला काफ़ी कम कमाता है। सिमिलरली जो सामान खरीदने वाले लोग होते हैं वो भी काफ़ी अलग अलग होते हैं, कुछ होते हैं जो कि बहुत ही सस्ता सामान भी अफोर्ड नहीं कर पाते, चीप का मतलब होता है सस्ता, रेडी का सामान भी कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं खरीद सकते। कुछ लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स में बड़े बड़े महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं, चाहे कोई बायर हो, बेचने वाला हो या ख़रीदने वाला हो, वो डिपेंड करता है कि उसके पास कितना पैसा है, कितनी मनी है, उसके हिसाब से ही वो चीज़ें खरीदता है या फिर बेचता है। हम लोगों ने एग्जामिन किया कि काफ़ी सारे मार्केट की चेन होती है इस फॉर्म बिफोर गुड्स कैन रीच अस, मतलब
सामान हम तक पहुँचे उससे पहले मार्केट की काफ़ी बड़ी चेन होती है, देखिए मार्केट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स वगैरह। तो ये जो चेन होती है ये अलग अलग लोगों से होते हुए हम तक पहुँचती है, और फिर वेन थिंग्स आर सोल्ड इट एनकरेजेस प्रोडक्शन एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर क्रिएटेड फॉर पीपल टू अर्न। तो अगर सामान बिकता है तो फिर वही सामान की दोबारा से डिमांड आती है, वो दोबारा से बनता है, इससे ही क्या होता है इकोनॉमी चलती रहती है और सामान बनता रहता है और सामान बिकता रहता है। हाउएवर डू दे ऑफर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, तो क्या सामान बिक रहा है, खरीदा जा रहा है, क्या सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटीज़ इससे मिल रही है। ये चीज़ हम लोग वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी थ्रू द स्टोरी ऑफ शर्ट इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो शर्ट की स्टोरी से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे कि जो सामान खरीदा जा रहा है, जो सामान बिक रहा है, क्या सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ये प्रोवाइड कर रहा है, हर इंसान को बराबर फ़ायदा हो रहा है चीज़ों के बिकने से और ख़रीदे जाने से। तो ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये SDG का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल नंबर 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो इंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न। कंजम्पशन का मतलब होता है किसी चीज़ का इस्तेमाल करना, प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना। तो ये देखिए UN के, यूनाइटेड नेशंस के गोल्स हैं कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। 2015 में इन गोलों को अपना गोल्स को अपनाया गया था ताकि हम इनको अचीव कर पाएँ। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 कहता है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो आप जो बना रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल हो, कोई आप चीज़ इतनी ज़्यादा फालतू ना बना दे, इतनी ज़्यादा महंगी ना बना दे जो अफोर्ड ही ना कर पाए लोग, और कंजम्पशन हम ऐसे करें कि हम वेस्ट को जनरेट कम से कम करें। तो ये हमारे चैप्टर का एंड है यहाँ पर। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।